नमस्कार दोस्तों, आपका केडीएच में स्वागत है। मैं हूं नागेश कुमार कौशिक। आज से लगभग 480 वर्ष पूर्व 9 मई 1540 को हमारे राजस्थान की मेवाड़ धन्य धरा पर मां भारती के सच्चे सपूत अजेय योद्धा महाराणा प्रताप जी का जन्म हुआ। आज उनकी जन्म जयंती का अवसर है, तो इस पावन अवसर पर आज के इस ऑनलाइन शो को हम महाराणा प्रताप जी के चरणों में सादर श्रद्धांजलि स्वरूप अर्पित करते हैं। आज इस कार्यक्रम के लिए हमारे साथ में जो मेहमान जुड़े हुए हैं, सर्वप्रथम मैं उनका परिचय करवाना चाहूंगा। जुड़े हुए हैं डॉक्टर शिवदान सिंह जी झोलावास उदयपुर से। आप महाराणा प्रताप सिंह जी के 22वीं पीढ़ी के वंशज हैं और आप बचपन से ही अपने पिता ठाकुर भवानी सिंह जी राणावत साहब से विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़कर राष्ट्र सेवा इनके संस्कार में मिले हैं और अजमेर विद्युत वितरण निगम लिमिटेड में आप सहायक विधि अधिकारी के पद पर कार्यरत रहते हुए आप अद्वितीय लेखन और सृजन के जिसमें अचानक कुछ नहीं होता, बांदरवाल, सही रियाण, वीर शिरोमणि महाराणा प्रताप, समर्पण, पुण्य प्रवाह, शब्दकोश, मौन है, अनेकों अनेक आपने रचनाएं दी हैं और अनेकों अनेक राष्ट्रीय स्तर से मंचों से आप सम्मानित हुए हैं और विभिन्न सामाजिक संगठनों से जुड़कर सदैव आप राष्ट्र सेवा और राजस्थानी भाषा की सेवा में आप लगे रहते हैं, साहित्य सृजन में आप लगे रहते हैं। और दूसरे मेहमान हमारे साथ में जुड़े हुए हैं जो कि थीम सर नागौर की पुण्य धरा से भजन सम्राट गायक महावीर जी सांखला, जो कि विभिन्न देवी देवताओं के प्रसिद्ध भजन अपने मुखारविंद से गाते हैं, बड़े बड़े मंचों पर आपका गायन चलता है और साथ ही इनकी जो विशेष पहचान है वीर रस की भजन गायकी और देशभक्ति और महाराणा प्रताप की कई ऐसी जो रचनाएं हैं जिससे पुण्य धरा से मैं हूँ सुजानगढ़ जहाँ की माटी में जन्मे डॉक्टर कन्हैयालाल जी सेठिया, जिनकी कई ऐसी रचनाएं हैं, कालजयी रचनाएं हैं, उनको भी हम महावीर जी सांखला जी के मुंह से हम सुनेंगे और उनको श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे। आज का जो ये कार्यक्रम है हम ऑनलाइन कर रहे हैं। आप सभी जानते हैं कि इस वक्त पूरी दुनिया, पूरा मानव समाज कोरोना महामारी से त्रस्त है, उनसे युद्ध लड़ रहा है। ऐसे मौके पर सभी घर पर रहें, सुरक्षित रहें, यही जरूरी है और यही सरकारों के निर्देश भी हैं और हम भी एक सभ्य नागरिक होने के नाते अपने अपने घरों से ही आज महाराणा प्रताप जी की जन्म जयंती पर उन्हें सादर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। हमारे साथ में प्रथम डॉक्टर शिवदान सिंह जी हमारे साथ में हैं, तो आप महाराणा प्रताप जी के वंशज भी हैं। सर्वप्रथम मैं आपको आमंत्रित करता हूं कुछ अपने वचनों के माध्यम से इस लॉकडाउन के समय को आप किस तरह से गुजार रहे हैं और क्या कहना चाहेंगे इस आज जन्म जयंती है उस महान योद्धा, उन अजेय पराक्रमी योद्धा जिनका नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है। आप सब दर्शकों ने, श्रोताओं ने राम राम, जय राजस्थान, जय राजस्थानी। नागेश जी ओ माध्यम है, सोशल मीडिया के माध्यम एक दूसरे से जुड़ने हो, आज 450 वर्ष पहले वो माध्यम नहीं हो, फिर भी संवेदना रहा, ऐडा तंत्र रहा जिसका आप महाभारत हो चाहे रामायण महाकाव्य में देखिया है कि बठिन की हो तो रठिन लोगन ने हिचकी आ जाती क्योंकि इनकी उचको हो जातो। जको उचको आज सोशल मीडिया कर रही है, बस दुनिया के की कोने में की हो रही है और आपने सूचना मिल जावे, आप जी संचार माध्यम जुड़िया था कहा, इनमें सब पहली जरूरत है महाराणा प्रताप रे भी संदेश ने लेने रही की भी परिस्थिति में, किनी भी परिस्थिति में आपने हारनी, हार अगर आप जो मान ली तो आप आधो युद्ध तो यूं ही हार गया समझ लो। प्रताप जीवन का कई संघर्ष करिया और मैं धनभाग मारू मारे पुराना कर्म हा के मन था गुनी, क्योंकि और धरती पे जन्म जो कोई पुण्य भूमि पे दियो है, मेवाड़ की माटी पे दियो, कुल में जन्म दियो, ओको तो शायद मन लगे कि ये मारे पूर्व जन्म रही कोई कर्म वेला, पर हाँ मैं सौभाग्यशाली हूँ कि आप सब लोग दर्शन कर रही हूँ और हाँ मारे श्री का कई भाई लोग जी वंश पीढ़ी में वंश परंपरा में सिसोदिया गोलोत वंश में आया है वे धन्य भी है और माने भी एक सेवा मौको मिलियो है। तो इन मौके सब पहलो संदेश प्रताप रे जीवन ओज लेनो चाहिए कि आपने की भी परिस्थिति में, कैसी भी स्थिति हो जाए, कहीं भी संघर्ष किया जाए, हम अपना धर्म को सबसे आगे निभाएंगे, हम अपने फर्ज को आगे निभाएंगे और हम अपने देश के लिए, मान सम्मान के लिए हमेशा तत्पर रहेंगे। खास तौर से मित्रों, जब हमारा उत्तरदायित्व तो बढ़ जाता है, हम किसी भी क्षेत्र में हो, जिस क्षेत्र में है
उस क्षेत्र में हम अपना फर्ज निभाएंगे। लिखने पढ़ने की तो कला आपको बहुत बेहतर आती है, आप कई लोग श्रोता और जो दर्शक बहुत अच्छा लिखते हैं, भजन गायकी में हमारे साथी जुड़े हुए हैं, जो मानव धर्म को समाहित करके चलता है। कन्हैयालाल जी सेठिया ने जिस तरीके से सुजानगढ़ की धरती से जिस तरह से मानव धर्म को लेकर कविताएं लिखी, उन्होंने जिस पाथल और पीथल रचना के साथ प्रताप को अमर कर दिया, धन्य है वो धरती, धन्य है वो धरा और धन्य है वह हवेली, जठे मने भी मारे भी हवेली में बे दर्शन करने और सौभाग्य प्राप्त हुए, भी हवेली में धोख लगाने और सौभाग्य प्राप्त हुए। तो नागेश जी, मैं दुनिया के उन तमाम दर्शकों को कहना चाहूंगा जो इस माध्यम से जुड़े हुए हैं कि एक बात प्रताप की उस पुण्य धरा मेवाड़ की धरती पर और एक दर्शन राजस्थानी को अमर कर देने वाले उस महाकाव्य गीत के रचयिता आदरणीय कन्हैयालाल जी सेठिया की उस धरती, उस हवेली सुजानगढ़ की हवेली पर आप सबको आना चाहिए और आपके जीवन के उस ऋण को उतार देना चाहिए जो मातृभूमि और मातृ सम्मान के लिए है। बिल्कुल, जय जय राजस्थान, जय जय राजस्थानी। और आपकी हमेशा ही कोशिश भी है कि राजस्थानी भाषा ने पूर्ण मान सम्मान मिले और भी के लिए आप सतत प्रयास भी बहुत करता रहो और सामाजिक संगठन के माध्यम से आवाज बुलंद करता रहो। आपने साथ में महावीर जी सांखला है, गायक महोदय। महावीर जी, थोड़ा सा अनुभव आपके मुख से सुनना चाहूंगा और आप बहुत बहुत धन्यवाद बुद्ध रूप से आप बहुत बहुत धन्यवाद नागेश कुमार जी और बहुत बहुत धन्यवाद ठाकुर साहब को। थोड़ी सी आपके बारे में जानकारी भी चाहिए। बिल्कुल, जिनके बिल्कुल आपने दर्शन हमें करवाए हैं, मैं आपके चरणों में प्रणाम कर रहा हूँ, आपका बच्चा हूँ। सबसे पहले तो इन्होंने अभी एक बहुत अच्छी बात बताई कि माना प्रताप के हम उनके मार्गदर्शन पर चलने की कोशिश करें, यदि हमने हार मान ली तो आप समझ लो आधा युद्ध हम वैसे ही जीत गए। ये इन्होंने बहुत बहुत बड़ी बात बताई और यही हमें सब कुछ समझना है और अपने दिल में भी बैठाना है और अपने दिमाग में भी बैठाना है। बहुत बहुत धन्यवाद नागेश जी आपने, क्योंकि मैं तो पहली बार आपसे बिल्कुल आपसे रूबरू हो रहा हूँ बिल्कुल, और मैं अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली समझ रहा हूँ कि आपने मुझे इस लाइक समझा। बिल्कुल भैया, आप तो शब्दों के माध्यम से ही आपकी बात रखो, तो कोई एक कोई दो लाइन ही टाइप की आण दो जो ई मौसम और ई महाराणा प्रताप जी की जयंती पर माने सादिल समर्पित हुआ है। बिल्कुल, आज तो पूरे भारत में बिल्कुल हर्षोल्लास है क्योंकि आज ऐसे शूरवीर महान मां भारती के लाल वीर सपूत बिल्कुल महाराणा प्रताप की जयंती हम बिल्कुल मना रहे हैं। तो मैं उनको मेरा एक छोटा सा भजन है, मैं दो लाइन आपको सुना रहा हूँ, यही मेरी उनको सच्ची श्रद्धांजलि होगी। जननी जने तो एड़ा जनने भक्ति दाता के सूर हो जिनी तरी जे बांजड़ी थरुमती गमाजे जननी जनी तो चार जनने मत जन जे चालीस जननी जने तो चार जनने मत जन जे चालीस ओ जीवे चारू रण जू जिना जो चारों राहे चाली। क्योंकि आपने सुना होगा जहां ना पहुंचे रवि वहां पहुंचे कवि, तो ये बहुत सुंदर कवि की पंक्तियां है। जननी जने तो एड़ा जन भक्त दाता के सूर नी तिर रही जे बांजड़ी थरो मत जमा जे नूर। एक कवि की कल्पना है, बोले हे माँ यदि कोई संतान जने या तो सूरवीर जनजे और या फिर भगत जनजे या फिर दातार जनजे या फिर संत जनजे, इन्हें अलावा तू करो दूत मत न जाइए। और लिखियो जननी जने चार जन मत जन चालीस वे चारों रण में युद्ध में जूंजना क्यों चारों रा चालीस। जननी जने तो एड़ो जन जेड़ो महाराणा प्रताप ओ जी अक उमर सूतो जगे जो जान सिरा वने सा। देखियो के जननी जने तो एड़ो जन जिद सूरवीर महाराणा प्रताप अकबर सूतो जगे जो जान सिराने। मुगल बादशाह अकबर भी सपने में महाराणा प्रताप ने देखता तो अजी खड़ो हो जाता, बोले मारो काल मने कद खत्म
हासिल कर देला। तो कवि की कल्पना है कि मां जने तो कोई महाना प्रताप जो सूरवीर जन जे ताकि भारतीय दुनिया नहीं बल्कि पूरा विश्व आज उन्हें याद करे। तो कवि माधव जी बहुत सुंदर पंक्तियां है, मैं आप बीच में प्रस्तुत कर रहा हूँ। हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रोष बार कठे हो, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, हल्दी घाटी में समर लड़ो, हल्दी घाटी में समर लड़ो, वो चेतक रो असमार कठे, मायड़ थारो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे। मैं बाँचो है इतिहास में, मैं बाँचो है इतिहास में, मायड़ थे मेरा पूत जया, मायड़ थे मेरा पूत जया, धन पान लजायो नी थारो, धन पान लजायो नी थारो, रणवीरा वे सरदार बया, तैयारे मन सो पाटिला, प्यारे मन सो पाटिला, सारा पड़ गया उन रे आगे, वो झुकियो नहीं नर ना हरियो, अकबर भी सेना रे आगे, वो झुकियो नहीं नर ना हरियो, अकबर भी सेना रे आगे, इंदुआ सूरज में वाड़ी रतन, इंदुआ सूरज में वाड़ी रतन, पुणिया के दिखावे आज अठे हो, मायड़ थारो वो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप, वो महाराणा प्रताप। बिल्कुल आ माटी हल्दी घाटी री, आ माटी हल्दी घाटी री, लागे केसर और चंदन है, माथा पर तिलक करो इन रो, इन धरती में नित वंदन है, अरण भूमि तीर्थ भूमि, अरण भूमि तीर्थ भूमि, दर्शन कर बाजी लल चाहवे हो, उन वीर सुरवारी यादा हिवड़ा में जोश जगा जावे, हिवड़ा में जोश जगा जावे, उन स्वामी भक्त चेतक रीवा, उन स्वामी भक्त चेतक रीवा, टप टप री आवाज कठे, मायड़ थारो पूत कठे, वो एक लिंग दीवान कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, वो महाराणा प्रताप कठे, यही मेरे याद किया जाता है, प्रणाम किया जाता है, और जब भी देशभक्ति की मिसाल दी जाती है तो महाराणा प्रताप को याद किया जाता है। आज हर शहर के चौक चौराहे उनकी दिव्य मूर्ति और प्रतिमाओं से सुशोभित है, और हर माँ बाप अपने बच्चों को शिक्षा देता है और उस शिक्षा के रूप में महाराणा प्रताप की जीवनी को सुनाना सुनाता रहता है। डॉक्टर शिवशान सिंह जी हैं हमारे साथ में, मैं उनसे भी थोड़ी सी उनके साहित्य सृजन में से कुछ रचनाएं, कुछ पंक्तियां सुनना चाहूंगा जो आज देशभक्ति और महाराणा प्रताप को समर्पित हो। निश्चित रूप से नागे जी सुनाला, पर माधव दरक जी री वे पंक्तियां, जय माधव दरक जी कुंभलगढ़ भी किला रे कने वारो निवास है, कुंभलगढ़ सो आवे है, वे इन्हें जीवियो है, वे प्रताप ने जीवियो है, वे प्रताप ने काल ने जीवियो है, वे लोगा ने देखियो काम देखियो, और आप जी धरती सो आओ, बा धरती आज भी अमर इन वास्ते है, शेखावटी पूरी माटी अमर है, कि अगर देश में सपूतारी वीर शहीदारी कठी श्रृंखला निकालो तो पूरा हिंदुस्तान एक कहानी और शेखावटी रवीर शहीद एक कहानी, तो बा धरा है, धन्य धरा है,
अगर आप केवल भी आजादी वो झुकियो नहीं नाहरी हो अकबर की सेना आगे, तो वो जो लोग हिंदुस्तान की सेवा में आज भी लगुड़ा है भी मैं शिखाव की माटी रा वीर, चाहे कारगिल में वे, चाहे बंबई में हमलो वे, चाहे अक्षरधाम में हमलो वे, चाहे संसद भवन पे हमलो वे, सब पहली अगर आगे आवेलो तो वो राजस्थान रो मान को आवेलो, सब पहली आवेलो तो राजस्थान रो मोटियार आवेलो, और जितना भी युद्ध जितनी भी लड़ाई जितना भी समर संग्राम दिया है भी मैं आप गिन लीजो, चाहे कांधार तक गया वे सांगा वे, और चाहे अभी कोई हमलो भी हो वे आजादी के बाद, तो सब पहली राजस्थान के वीर सपूत्र नाम आएला। तो माने गर्व है मन घुमे से कि मैं भी धरती हूँ, आए धोरा वाली धरती कहने रही है पर आ वीर सपूतारी माटी है। तो इन जटे हालरियो भी सुनाए बिने लोरी सो सुनात लगा टाबरिया ने कह कि रण में पीठ दिखा मत आई, खावे तो सीना पे खाजे। मैं एक कविता में छोटी सी पेश करूं, प्रताप पे एक रचना है कविता, तुम आई प्रताप की प्रतिज्ञा से, जब ऊंच नीच का भेद भुला सौंप दिया सम्रांगन नेतृत्व विश्वास का, जब जिद पर अड़िक राणा ने नारी के सम्मान में दुश्मन के बंदी हरम को किया आजाद, तब जन्मती है कविता। ये घटना भी मैं आपको बताऊंगा कि कैसे बंदी हरम को आजाद करती है, आप तो जानते हैं नागेश जी, पर दुनिया को बताने के लिए, बच्चों को बताने के लिए आवश्यक है कि प्रताप के वो संस्कार वो पीढ़िया क्या है, जब एक बार से सिरस्त्रांग दो भाग कर मरते शत्रु को जल दे कुंवर को पाठ पढ़ाया मृत्यु के सम्मान का, तब आकार लेती है कविता। चेतक जब गज मस्तक पर पैर टिका था राणा महावत की छाती चढ़ जाता, भाले के प्रहार से दुबकता है दुश्मन सेनापति, तब उतरती है कविता। जब रणचंडी बनता देश प्रेम मन्ना धारण करते राणा के कवच कुंडल, गोफण तीर से अरिदल में मस्ती हाहाकार, हरावल दल करता विजय का यत्न, उमड़ आता भाई का प्रेम जैसे भरत रघुराई, और फिर बनती है कविता। प्रजा की सुरक्षा में गोवंश की रक्षा में आजादी की परिभाषा गढ़ने राणा देते सुख वैभव त्याग, जीते यायावर जीवन तब बनती है कविता, देश और दुनिया के लिए मिसाल, तब बनती है कविता देश और दुनिया के लिए विशाल। जी हाँ, कविता जी की आई वह प्रताप ने जीवन रहा वह चरित्र, प्रताप ने केवल एक संघर्ष वास्ते आजादी का प्रथम सेना नायक के रूप में दुनिया जानती है, पर प्रताप के वो जीवन के वो पक्ष, प्रताप ने अपने जीवन में क्या क्या किया, अब चेतक के घायल होने पे शक्ति सिंह ने उनको अपना खुद का घोड़ा अंकारा दे दिया, अब अंकारा और नाम कोई जाने को नहीं। तो जिस तरह हल्दीघाटी युद्ध में प्रताप का सेनापति जो थे वो हाकिम का सूर थे, राणा पूंजा उनके लिए लड़ रहे थे, सर्वधर्म संभाव की जब आप बात करते हैं, चार चार प्रस्ताव अकबर ने, चार चार दूत भेज के अकबर ने शांति के प्रस्ताव भिजवाए थे, चाहे जलाल खां कोटची आए हो, चाहे मानसिंह कछवा आए हो, राव भगवंत दास आए हो, आमार के महाराजा या टोडरमल आए हो, चार चार प्रस्ताव बाद भी प्रताप कहे कि नहीं, मुझे इस प्रजा की सुरक्षा चाहिए, मुझे इस प्रजा की शांति चाहिए, मैं इस प्रजा के लिए लड़ूंगा, मेरी प्रजा आजाद रहे, मेरा देश आजाद रहे, और राजा का जो नेतृत्व होता है उस नेतृत्व पे जनता विश्वास करती है, उस समय की जनता ने पूरा पूरा विश्वास अपने राजा पे किया, उस नेतृत्व किया, इसलिए अगर एकमात्र हिंदुआ शासक था जिसने आजादी की अलग जगह रखी, हिंदुआ हिंदुस्तान का नक्शा कुछ और होता अगर प्रताप नहीं होता। निश्चित रूप से प्रताप की प्रेरणा लेके उत्तरार्ध में, पूर्वार्ध में तो क्या रहा पता नहीं, उनके उनकी पीढ़ियों से पुरखों से जो आया वो प्रताप में आ गया, पर उत्तरार्ध में जो कुछ हुआ, जो घटनाक्रम हुआ बाद में देश की सुरक्षा के लिए, जिस तरह से जे लोग वीर सपूत शहीद आया वे लोग प्रताप रे जीवन प्रेरणा लेता रिया, और आप माँ आज रो दिन नहीं, आप रे जीवन रा हर दिन प्रताप रे जीवन, मैं कहूँ कि अगर हम शक्ति की पूजा करते हैं, माँ की आराधना करते हैं, तो आप बैठे पूजा में एक चित्र आप प्रताप रो लगावा भी आप प्रेरणा मिलती रहे। मैं तो आई कोशिश करूँ कि माने प्रताप रे जीवन सु प्रेरणा मिलती रहे, क्योंकि राजा राम शाह तवर जका आया हा, वे राजा राम शाह तवर हल्दीघाटी युद्ध में आपने तीन तीन पीढ़ी खत्म कर दी, हमारे परिवार रहा पांच बेटा बेटी पोता बेटा पोता सब खत्म हो गया एक साथ, बहलोल खां का वध जो किया, जीरा बख्तर समेत उन दो भाग कर दियो। खैर कुछ घटनाक्रम पे हम आगे बातचीत करेंगे, पर मैं आज भी फिर भी कहता हूँ कि ये राजस्थान की वीर माटी वसुंधरा, उस धरती से जहाँ जहाँ जो माँ लाल जो जनती है वो केवल देश और देश रक्षा के लिए जाता है, उसका प्राण और एक ही संकल्प होता है। इन वास्ते आप देखिए वेला कि चार दिन पहले जो घटना हुई कश्मीर रामायण है, उनमें भी अगर कोई सपूत आए हो
तो उनमें भी बा एक तिरंगा में लिपटी लगी लाश थी, बा राजस्थान की धरती पे उतरी। तो ये आपने वीर माटी रो और जो कोई ताकत है, इस ताकत को सहेज रखने की जरूरत है। मैं ये कहता हूँ कि मारे जन्म में तो भगवान रो कर्म हो कहीं था भगवान जाने, पर मैं राजस्थान के 8 करोड़ मान के धन्य है जिनको इस धरती पे जन्म लेने का सौभाग्य मिला है। और अब हमारा फर्ज बन जाता है कि देश रक्षा के लिए, देश के प्राण प्रण के लिए हमें अपना जो कुछ देना हो सर्वोच्च न्याय न्यौछावर कर दे, उसके बाद जो फैसला हो वो ईश्वर कुदरती के हाथ में छोड़ दे, नीति के हाथ में छोड़ दे। और आज भी 8 करोड़ नौजवान हो चाहे हर एक मान को कदई पाछे नहीं रही हो, मुझे इस बात का गर्व है, मैंने फख्र है आप इन धरती माते जन्म लियो और इन फर्ज निभाए। बिल्कुल, जय जय राजस्थान और राजस्थान की माटी के मायने ईयान गैन का वीर जन्म लियो है। और लोग जगह राजस्थान से बाहर रह हुए हैं, दूसरी जगह प्रांतों का और दूसरे देशों का लोग है, वे लोग कई कविया की कविताओं का माध्यम से सुनने मिले है कि वे बताए हैं कि न जाने बेटे की मावा जापा में ईयान को कहीं खावे है, जो ईयान का वीर पैदा हुए अभी धरती पर और एक हूँ एक चढ़। पर अगर आप कहानी राजस्थान की सुनाने लगा तो अकेले मेवाड़ की भी कहानी इतनी लंबी है और एक हूँ एक महान योद्धा देश प्रेमी योद्धा सदियों चले आए है, इतिहास बहुत पुराना इतिहास है। और ये माटी ने तो सिर के लगानो और ये माटी ने तो आपने पूजा में रखने लायक माटी है, लेकिन जितो आप नमन कर सियाँ जितो ही आप जीवन के मायने आगे बढ़ सियाँ। कभी भी जीवन में यहाँ को मोड़ आवे जब आपने यहाँ महसूस हुए कि यार आपा कितना अकेला हाँ और आप किया ये मुसीबत से लड़ पाशा, तो आपने मावा एक ही बात कहे कि बेटा आपा भी तू भी धरती में पैदा हो जटे महाराणा प्रताप जान का सूरवीर पैदा होया और वह बड़ी बड़ी सेनावाओं को डरिया ये देश की आजादी की खातर लड़ता रिया, जद ही थांग जान का आज बड़े सम्मान के साथ जी रहे है। तो मैं थोड़ा सा एक अनुभव डॉक्टर शिवदान सिंह जी से थोड़ा सा सुनना चाहूँ कि आप जी हाँ माँ के परिवार के मायने तो इन टाइप से बात हुई, आपके परिवार के मायने कभी भी चर्चा चले महाराणा प्रताप जी की तो के टाइप की चर्चा चले और के टाइप को आदर्श पेश करियो जावे? चर्चा और आदर्श की बात है तो मैं वो दूहो भी आपने नजर कर दू सा कि इलान देनी आपनी हाल रिया हुल रहा है और पुत सिखावे पालने मरण बढ़ाई माए। माँ यही कहे कि बेटा कोई यदि एडो कोई मौका आ जाए तो आप शीश काट दे देनो, पर आपकी इला जो को है आपकी रक्षा जो है आप सम्मान है उन्होंने नाश कद ही नहीं कराना। तो परिवार में बतावे तो आप पीढ़िया ही बतावे संस्कार भी बतावे, क्योंकि मैं भी जते मैं जन्म लेता ही जी टाइम समझ आयो तो मैं तस्वीर माता जी तस्वीर साथ महाराणा प्रताप जी तस्वीर देख तो मन तो ठाई होनी कि महाराणा प्रताप के कुल में जन्म भी हो। ठीक है वो आस पास परिवेश वातावरण सारे ठीक है, पर भी तो भगवान जी समझता तो जन मैं पूछियो भी कि मैं किसा भगवान है जी छोटे ही हो भी टाइम तो के एज के थारे बड़े रहा है धीरे धीरे जब बड़ा होया पढ़ी हो प्रताप की गाथा पढ़ी तो चूंकि आप अगर कोर्स वाली बात करो तो टेक्स्ट बुक का तो बिल्कुल ही चेंज होगी जिनकी आपने पढ़नी चाहिए बात तो पढ़ाई चाहिए, क्योंकि आप तो क्रो मीन्स कागड़ो कागड़ा ही जगह आप क्रो क्रो मीन्स कौआ पढ़ा तो वो जिनकी आपकी भाषा ही बोली है ही बात तो पढ़ गई और जो पढ़ने चीज वो पढ़ावे को नहीं। पर फिर भी मैं मारी रुचि ही जरूर तो मैं हमारे बड़े रहो इतिहास पूछतो मन पूछतो कि ये महाराणा प्रताप कौन है तो कह जी टाइम जन्म हो 400 वर्ष पहले लगभग होया पचे उन्हें बाद कई चीजें जो हमारो जन्म जो अभी पीढ़ी में जी जगह हुआ अमर सिंह जी छोटा भाई है हमारा महाराणा प्रताप जी जो छोटा टाबर है भी परिवार में भी कुल में हो तो मैं गाँव में भी देख तो बैठे गयो तो मैं ऊपरे उबेश्वर जी कने गयो तो मैं दाता कने गयो तो दाता ने पूछियो कि आप कह रहे हो कि अपन जन्म इतने भी हो तो आप बताओ इन कोई हैनान भी है कि तो कह देखो बेटा ए रिया ए अमर सिंह जो झूला रिया प्रताप जी जब अठे आया तो अठे ओ दाता ने वो गांव मिलियो आपारे और ये गांव रे साथे साथे ओ देखो अमर सिंह जी झूलो अठे मांडी ओडो है जस मन था बड़ी पच में हमारे गांव रे का नहीं है 7-8 किलोमीटर दूरी पे ही है के ओ देखो ये महादेव री छतरी है अठे महाराणा प्रताप सिंह जी राज तिलक हुयो पर बैठे बैठे कहीं पच मैंने कहीं रुचि जागी तो मन था बड़ी तो वह मन ले जाता रहता तो ऐडी जकी भी जगह रहती जितनी भी जगह रहती वे प्रताप सिंह जी जीवन में जुड़ी उड़ी बैठे जाने रो मान मौको मिली मैं सौभाग्यशाली हूँ कि मैं चाहे आवरगढ़ वो चाहे चावंड वो महाराणा प्रताप है जीवन में जुड़ी उड़ा जितना ही स्थान है। तो मारे बड़ेरा हमारे दादा और मारे पिताजी वे मन वे सारा स्थान घुमाया जी टाइम आपन मार में समझ आए कि उन्हें पास मैं भी गयो रिसर्च वाली भी करियो पर भी हर स्थान पे मन जान लागे कि मैं बैठे धोख दे नमन करूं पूजू और
पता नहीं क्यों एक एनर्जी जो मैं हकीकत बोलूं तो मैंने यूं अगर कोई मन कहे कि धन साम्राज्य दो जिमा दे राजी थे रन जाओ तो मन लागे कि ये काम करो तो मैं तो प्रताप जी जैसे लड़िया या प्रताप जी जो काम करिए बैठे ले जाओ मैं बैठ जाऊँ दो तीन चार दिन बैठो नेच जाऊँ बैठू और मैंने यूं एकदम पावर महसूस हुए शक्ति आ जावे। मैं हकीकत बताऊं जो मैं चावंड गयो तो चावंड एक महीना दो महीना नहीं छह महीना तक लगातार चावंड गयो प्रताप जी निर्माण स्थली तो मैं क्यों अड़ा है कहीं है बठे जार पच में अच्छा मन की नहीं है ठीक है देवलोक में नहीं हर आदमी दुनिया में आयो जाई जाई मैं भी ठीक है किताब पढ़ लियो कि प्रताप रो देवलोक में नहीं हुई कि आता में खिंचाव आएगी और एक शेर रो शिकार करता वो शेर अगर प्रजा में हाथ खा जाए तो जनता ने खा तो बचाने चक्कर में भी शिकार में निधन हो गयो पर मन पूछता भी घर वाला भी कि अटकाई है तुम बार बार जाओ कहीं अड़ो कहीं मैं भी मारे दिमाग में फितूर हूँ मतलब मैं हकीकत बताऊँ आप सब लोग कि मैं जानना चाहूँ तो मैं करियो की कर आपा कहने इतनी टेक्नोलॉजी है इतना साधन है ठीक है एक घोड़ा 550-500 सिपाही 2000-10000 इतना भी थोड़ी है तो इतना साधन संपन्नता नहीं 5000 बटे देखियो मैं तो वो भी टाइम में वो देखो आप निसार दी प्रतापकालीन जो को है निसार दी रागमाला श्रृंखला पूरी पूरी बनाई और चावंड में चित्रकारी करी प्रताप जी जी की इमेज है अरे प्रताप प्रताप फर्स्ट फ्रीडम फाइटर आजादी के सेना नायक अरे प्रताप महाराणा प्रताप से बढ़ के दूसरा कोई नहीं हुआ। पर नागेश जी एक चीज मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बताना चाहता हूँ दर्शकों आप लोगों के लिए जानना बहुत जरूरी है कि प्रतापकालीन जो प्रताप के दरबार के राज दरबार में जो कवि हुए थे चक्रपाणि मिश्र 1577 के आसपास की बात है उन्होंने मुहूर्तमाला जो को अपारे 16 संस्कार है उस मुहूर्तमाला ग्रंथ को लिखा उसी के साथ चित्रकला शैली से की मैं बात कही कि चित्रकला शैली में निशारदी ने जो चित्र बनाए थे चावंड में वो जाके मैंने देखे मैंने कहा और मुझे लगा अरे यार खैर बस सौभाग्य की बात है कि आहड़ी जूनी चित्रकला 4,500 साल पुरानी जूनी चित्रकला शैली भी अटकी है आहड़ में वहा उदयपुर में सौभाग्य हो पर मैं मन लागू की अरे कलर्ड पेंटिंग उस समय इतनी टेक्नोलॉजी के साथ राज्याभिषेक पद्धति विश्व वल्लभम एक वो कहीं है कि आयुर्वेद ग्रंथ है और वृक्ष माथे वे तीन तीन ग्रंथ प्रताप ने टाइम में लिखी दिया ये जानकारी बच्चों को नहीं है। अरे प्रताप अच्छा फ्रीडम फाइटर अच्छा वॉरियर अच्छा हाँ वो सॉर्ड से लड़ते थे क्योंकि अब तो कहीं टाबर भी आलो डेडी हाय मामा करवा वाला है तो अब अंग्रेजी में टाइप भी हाई फाई करे वो उन्होंने था ही बोली की अरे अरे भाई आप कल्पना करो अठे एक चीरी पे इतो आंगली पर लाग जावे तो आए तो वह मत जाओ 4 दिन 10 दिन 50 दिन ओ मार तो चाहिए पट्टी बांधो कितनी बार तो लागती 17 युद्ध लड़िया प्रताप जी है प्रताप सिंह जी हल्दीघाटी युद्ध कितनी देर हो हल्दीघाटी युद्ध महत 8 घंटा युद्ध हो पर वो युद्ध जठे आप एक चीज जानकारी देना चाहूँ मैं जब पढ़ियो और जानियो ये सारी चीजें कुछ चीजें तो मुझे पढ़ने को तो कम मिली पर जब लोगों से सुना लोगों से तुम्हारी मेरी जब जिज्ञासा बढ़ी तो मैंने कहा यार हल्दीघाटी के युद्ध में फिर बाद में बताया कि अरे भाई अगर आप मान सिंह जीत जाता तो उसकी ड्यूटी बंद क्यों होती अमर सिंह के दरबार में अकबर जीता ही था नहीं था हल्दीघाटी के युद्ध में जीते तो अमर से यही थे प्रताप जी महाराणा प्रताप सिंह जी की सेना जीती थी तो ये चीजा जो है और मैं कह रही हूँ मैं यूं भी सौभाग्यशाली हूँ कि मैं हमारे मार दाता 105 साल उम्र करी वे गोलोक धाम पधारिया और मैं हमारे टाबरिया भी चूंकि वे देख लिया मेरे बच्चे भी वही देख रहे और हम लोग आस पास परिवेश से क्योंकि ये बात सही है कि सोशल मीडिया हो चाहे सामाजिक व्यवस्था हो चाहे इन सब का प्रभाव पड़ता है आप पे हम पे चाहो चाहे नहीं चाहो पड़ता है पर निश्चित रूप से अपने संस्कारों का अपने डीएनए का आप जिस कुल में जन्म लिया है उसके साथ साथ जिस परिवेश में आप बड़े हुए हैं इसके साथ साथ जिसने आपको शिक्षा दीक्षा दी है उसका प्रभाव पड़ता है। मैं इस मेवाड़ की माटी और राजस्थान की भूमि को धन्य मानता हूँ यहाँ से मुझे सीखने को मिला और जब परिवार में बात करना ऐडी घटना इन वास्ते मैं कहूँ कि और जो को राजस्थानी संकल्प है आज 20 बरस पहले मैं मारे भी बहुत छोटे ही उम्र में कोई ज्यादा बड़ो हो नहीं हो पर मारे कॉलेज पूरा करते ही मैं भी आखड़ी ले ली कि मारे जीवन में जितने मैं रहूं तो मारो परिवार पेट परिवार ठीक है रोजगार के वास्ते कोई ना कोई काम करना ही जो उनने बचे मारे जीवन में जितो भी आय अर्जन है जो भी है और पूरा समय समर्पण केवल और केवल फगत राजस्थानी संस्कार संस्कृति और भाषा के वास्ते तो ये चीजें ही आप कह रहे थे कि आपको कैसे मिलता है क्या दिखता है तो जब उस समय 450-500 साल पहले जस्ता और लोहा निकालने की कला अगर प्रताप ने यहाँ डेवलप कर ली थी जिंक निकल जाता तो अठे इंग्लैंड में ज्ञान को नहीं हो वो इंग्लैंड में ज्ञान नहीं हो और अठे मेवाड़ की माटी में वो ज्ञान हो दुनिया ने ज्ञान अटू भी हो जब वो उस समय कर सकते हो संघर्ष के काल में तो आज तो आप सब चीजें हैं नागेश जी आप बटू बैठ रहे बात कर रहे हो
और ये दुनिया में अरब अमीरात में लोग देखेंगे, इस संघर्ष के समय जर्मनी में लोग देखेंगे आपके इस चैनल को, और जो को आप लोग सब्सक्राइबर है सारा इन्हें चैनल आगे आगे बढ़ाई वन ध्यान कि प्रताप के उस पुरखे से जिसके रक्त में डीएनए, अब जिस प्लाज्मा थेरेपी की आप बात करें ना, और ये एक आदमी ठीक हो गया और जिन कोरोना और उनका प्लाज्मा लेके और ट्रांसप्लांट कर लो और ये ठीक हो जाएगा, ये डीएनए आप खून में मिले। आई तो टेक्नोलॉजी है, इन वास्ते कोई शिक्षा दीक्षा नहीं लेनी पड़े, ये ठीक है। कुछ लोग सौभाग्यशाली होते हैं और जो सौभाग्यशाली नहीं भी हो पाए तो उनको वो अपनी क्षमता से अर्जित कर लेते, जिस तरह से अभी अपने माधव दरक जी का जो गीत सुनाया आपने साथी ने, और जबरदस्त, मैं माफी चाहूंगा पर एक श्याम नारायण पांडे जी की कविता जो बार बार मुझे प्रेरित करती है, श्याम नारायण पांडे जी ने लिखी, मैं उसकी चार पंक्तियां सुनाना चाहूंगा। नागेश जी आमंत्रित है। हाथी से हाथी जूझ पड़े, भिड़ गए सवार सवारों से, घोड़े पर घोड़े टूट पड़े, तलवार लड़ी तलवारों से, हाय रुंड गिरे गजमुंड गिरे, कटकट अवनी पर शुंड गिरे, लड़ते अरि झुंड गिरे, भू पर हाय विकल वितुंड गिरे। ये जब श्याम नारायण पांडे लिखते होंगे, श्याम नारायण पांडे ने आप देखो क्या सोचा होगा, किस कल्पना के साथ इसको जिया होगा, जी तरीका कन्हैयालाल जी सेठा का, और कोई चढ़ चेतक पर तलवार उठा रखता था, भूतल पानी को राणा प्रताप सिर काट काट करता था सब जवानी। राणा प्रताप ने जिस तरह से जवानी को सफल की, तो आज आप हम सभी लोग, हम सापर सर्वधर्म है कि हम इस तरह से इस जवानी को सफल करने के लिए क्या प्रयास कर सकते हैं इसको आगे। और मैं केसरी सिंह जी भारत जो चेतावनी रख चूंटिया लिखे, और जब आजादी के बाद सारी रियासतों को बुलाया जा रहा था दिल्ली के दरबार में, तब महाराणा साहब ने रोकड़ा वास्तव में कहा, और पहले दुआ भी लो चेतावनी चूंटिया लो, पग पग भम्या पहाड़, धरा छोड़ रहा क्यों धर्म, ईसु महाराणा रा मेवाड़, हिरबे बसिया हिंद रे। अरे हिंद के हृदय में बसने वाला महाराणा वो प्रताप दूसरा आड़ा जो को छपा वो कहे कि अस लेगो अण दाग और पाग लेगो अण नमी, अस लेगो। अब वो अकबर के दरबार में जितना गुलाम बनाया अकबर, बेबीने वाल का घोड़ा रे पुठा पे दाग दे दे तो, और वो अस लेगो अण दाग आप घोड़ो जो को हो उन्हें दाग कदे नहीं लगने दियो, पाग लेगो अण नमी, और दिल्ली दरबार में सारी पाग झुकी, पर वो आप ही महाराणा प्रताप सिंह जी अपनी पाग कदे कौन चुकाई, घो आड़ा गौड़ाए गयो जगो भातो दुर्यामी। अरे वो आपने बिलालो आपने मस्ती में चालो वालो कठे कोई झुकियो, नव रोजे न गयो जो को दरबार अकबर आपने बैठे नव रोजा लगाया, नव रोजे न गयो न गयो आसा नवल्ली, न गो जरोखा हेठ जेठ दुनिया दहल्ली। अरे दुनिया जटे दे देल जावे बटे गयो ही कोनी, और गहलो तराण जीत गयो जद और दूर दूसरा आड़ा छपा जगह पृथ्वीराज जी सुना भी अकबर ने, तो गहलो तराण जीत गयो, दसन मूद रसना डसी, बिना रीस भी आई अजीब भी डसली, काट भी ली आंख में आंसू भी पड़े, और वो कहे कि अरे यार गुहिलो तराण जीत गयो, दसन ना मूद रसना दसी, निशा मूक भरिया नयन तो मृत सा पसा प्रताप सिंह। प्रताप सिंह वो व्यक्तित्व हो वो कृतित्व हो, अकबर भी जिनी शोक शोक में भी जिनी आंख में आंसू आ जाए, वो व्यक्तित्व और महाराणा प्रताप जी के जीवन चरित्र को हम शब्दों में बांध पाए ऐसी कोई सीमाएं नहीं है। और आपने कभी पृथ्वीराज जी का जिक्र किया है, तो कन्हैयालाल जी सेठिया की पावन धरा से मैं हूँ सुजानगढ़ से, और कन्हैयालाल जी की एक सुंदर रचना भी जो कि पृथ्वीराज जी से जुड़े हुए उस बात से जुड़ी हुई है, महावीर जी सांगला हमारे साथ में है, मैं कन्हैयालाल जी की उस कृति को आपके मुख से सुनना चाहूंगा, पावन कृति को। हरे घास री रोटी मन लवड़ो ने वाजो नानो सो मेरो की पड़ो राणा रो सोयो थकी जागो नानो सो मेरो की पड़ो राणा रो सोयो थकी जागो हूँ लड़ो गणो सयो गणो मेवाड़ी मान बचावण ने हूँ पाछ नहीं राखी रण में बेरारो खून बहावण में बेरारो खून बहावण में
जद याद करूं हल्दी घाटी, जद याद करूं हल्दी घाटी, नेड़ा में रखती उतरी आवे, सुख दुखी रो साथी चेतक रो, सूती सी हूं की जगा जावे। आज बिलक तो देखूं जद राज कुंवर ने रोटी ने, तो साथ धर्म ने भूलूं, भूलूं हिंदू वाणी चोटी ने। मेला में छप्पन भोग जता, मनवार बिना करता कोनी, सोनेरी थाड़ा नीलम रे, बाजोट बिना धरता कोनी, अरे घास री रोटी वन भी लगनो ने भाग्यो, नानो सो मरो ठीक बड़ो, राणा रो सो यो दुखी जागो। बहुत ही अमर रचना है और शब्दों के माध्यम से और आपकी गायन शैली के माध्यम से आज महाराणा प्रताप जी की जयंती के अवसर पर सुनने को मिली, मन अभिभूत हो जाता है, मन गौरव से भर उठता है, गर्व से तीना चौगुना हो जाता है जब ऐसे वीर और योद्धाओं की जीवन चरित्र की गाथाएं हम जब सुनते हैं। शिवदान सिंह जी हैं हमारे साथ में। सर, एक कोई रचना ऐसी रचना सुनना चाहूंगा, समय की अपनी सीमाएं भी हमारे साथ में हैं, तो एक कोई ऐसी रचना जो इस कार्यक्रम को, इस जयंती के इस अवसर को अमर कर दे। निश्चित रूप से सभी दर्शकों को, एक बार नागेश जी को और महावीर जी आप दोनों को धन्यवाद जी की यह रचना पाथल और पीथल कन्हैयालाल जी सेठिया लिखी। तो मैं केवल इसका एक संशोधन इसमें थोड़ा सा चाहूंगा कि जानकारी के लिए कि जो अमर सिंह जी का जन्म हुआ था वो 1559 में हुआ था और हल्दीघाटी का युद्ध जो था वो 1576 में हुआ था। तो हल्दीघाटी युद्ध के समय अमर सिंह जी की उम्र लगभग 17 बरस ही। तो 17 बरस की उम्र, हाँ ये बात सच है कि आपकी कहीं भी उम्र में पहुंच जाओ, आप 40 साल के हो गए, आपके पिताजी अगर 60 साल के तो आप हमारे वास्ते नाना नहीं हो, और अगर पिताजी 40-35 साल रहे और आपकी उम्र 15 साल तो आप नानो सो। वो जो नानो सो जो को है वो नानो सो अमरो बिलख पड़ियो, राणा रो सोयो दुख जागियो। तो वो नानो अमरियो जो को है उन्हें उम्र 12-13 बरस रही है, तो वो बिलख, क्योंकि वो दिवेर में जब दशहरे पे अक्टूबर 1582 ईस्वी में जब दिवेर दशहरे पे विजय दिलाता है तो वो नानो सो अमरियो ही है ना, 17वें युद्ध में 18वें युद्ध में जब तक। तो मैं इसके बाद एक हमारे साथी है वो देवलोक हो गया, चावन सिंह जी की बारी, दो लाइना और उन्हें बात मैं खत्म कर रहा इन कार्यक्रम में जरूर। आप जो आप आदेश है कि वारी एक पंक्ति में टापा चेतकरी है को नहीं है बात पर वारी गीत है चावन सिंह जी रो, टापा चेतकरी गूंजे रे हल्दी घाटी में, रल क्यों रगत मोकलो इन माटी में, पातल री तलवार लारे भीला रहा भाला, रण खेता में मुगल दौड़िया लांग नागने नाला, फस गया तुरक राणा जीरी आटी में, टापाचे तकरी गूंजे रे हल्दी घाटी में। हाँ सा हल्दी घाटी में जिकी चेतकरी टापा गूंजी बात, वो चेतक पापारी स्वामी भक्ति री मिसाल देर अमर हो गयो, वही महाराणा प्रताप जिन महाराणा प्रताप के बारे में कहा जाता है, उन्होंने अपनी एक तलवार के वार से बहलोल खां का ऐसा वध किया, जीरा और बख्तर समेत उसको दो भाग कर दिया। वही महाराणा प्रताप सिंह जी जिनके समय में, जब आप रेन वाटर हार्वेस्टिंग की बात करा, वो आवरगढ़ के किले में आज से 500 साल पहले रेन वाटर हार्वेस्टिंग का सिस्टम कर दिया था, वही महाराणा प्रताप सिंह जी जब अमर सिंह जी मुगल शिविर से अब्दुल रहीम खान खाना मुगल सेनापति के मुगल हरम को वहां से उनकी स्त्रियों को उठा के ले आते और महाराणा प्रताप सिंह जी को पता लगता है, महाराणा वीर पुरुष हिंदुवासुरी महाराणा प्रताप को पता लगता है कि ये मुगलों की बेटियों को लेके आ गए अमर सिंह जी। उनको पूछा गया आप इनको क्यों लेके आ गए, उनका ये अपने शत्रु हैं इसलिए इनको लेके आ गए। महाराणा प्रताप ने उनको हाजिर किया और उनको कहा सम्मान नारी को इनके शिविर में छोड़ के आओ। मतलब अब्दुल रहीम खान खान तो दिमाग खराब हो गया कि ऐसा व्यक्तित्व जो अपने शत्रु की बहु बहन बेटियों को इतना सम्मान देता है, और अमर सिंह जी ने आदेश दियो कि जब रण में लड़ेंगे तब स्थिति कुछ और होगी, पर अगर वो मुगल है, हमारा शत्रु है, दुश्मन है, ये नहीं कि आप उसकी बहन बेटी की इज्जत पे आँच आने दे, उसको ससम्मान पहुंचाओ। वो महाराणा प्रताप के वो संस्कार हम सबके खून में होने चाहिए,
ऐसी अपेक्षा के साथ जगह महाराणा प्रताप मन याद आवे। नागेश जी मैं अर्ज करूँ सबने कि भाई महाराणा प्रताप मन की कर याद आवे, और खास तौर होली के दिन जब आप सब हम सब लोग रंग खेलते हैं, रंग की होली खेलते हैं, तो मैं मारी कविता है पोती बांदरवाल सु एक कविता पाठ कर बताऊं। घूम नहीं भी है यादा मारी, घूम नहीं भी है यादा मारी, मारे पुरखा बाबो सारी मौत माथे होली रे दन और अस्टाबर सु जोगा रोकियो रास्तेला। धर्म आजादी खातर दुश्मनी रो काल बंड वो वेगर वेगो अमर आपारा प्रताप सु प्रताप रे साथे होली रे दन उन्हीं इस तरीका जीवती है मारी यादा जे कदे घूमनी वेला जे कदे घूमनी वेला। हाँ सा बे प्रताप जी री यादा अमर करण सारू चाहे संसद भवन हो, दिल्ली के संसद भवन में, संसद भवन में भी वो प्रताप की प्रतिमा लगी हुई है, जहाँ देश दुनिया के कोने कोने के साथी भी आते हैं, देश को नेतृत्व करने वाले संविधान के लोग भी आते हैं, वो भी उससे प्रेरणा ले सके। प्रताप के साथियों के साथ अश्वारूढ़ प्रतिमा लगी हुई है। इसी तरह के भाव, इस तरह की जागृति आप हम सब में हो, हम सब उस भाव को, उस विचार को, देश के सम्मान के भाव को, राष्ट्रभक्ति के भाव को पैदा करें। जो शेखावटी की माटी जिस तरह से वीर निपजती है, बंगाल की महिलाएं जब आती है यहाँ सुहागिने आती है तो आठे हल्दी घाटी माटी ले जा रहे बैठे वन पूछो कहीं करो कि साहब हम सिंदूर जो है वो इस हल्दी घाटी की माटी से भरते हैं। आजादी के लिए जिस रणभूमि, जिस रण क्षेत्र ने प्रताप ने अपना जीवन लगा दिया, हजारों लोग कुर्बान हो गए, शहीद हो गए, वीर हो गए, वीर गति को प्राप्त हुए, तो वो जो रगत तड़ाई जबकि तड़ाई है जहाँ रगत सु भरीजगी और बठे माटी भी ऐडी होगी यानी तो आप अठे भी बठे भी वेला राता खेत ऐडी जगह जठे होगी सारे लाल हो गया रातो हो गयो वे चीजा है, वहां से हमें प्रेरणा लेने की जरूरत है, उस माटी से प्रेरणा लेने की जरूरत है। निश्चित रूप से संघर्ष के समय में राजस्थान अग्रणी रहा है और रहेगा, पर हाँ जो संवेदनशील है, जो चेतनशील है, जो जागरूक है, उसका धर्म बन जाता है कि इस तरह की चेतना, इस तरह की संवेदना, इस तरह के लोगों को जोड़कर उनके विचारों को आगे पहुंचाए, चाहे महावीर जी हो, चाहे माधव जी दरक हो, चाहे नागेश जी हो, चाहे आज ये जब सुनने वाले सारे श्रोता और जो दर्शक है, छोटे छोटे बच्चे जो सुन रहे हैं जिनके 18 साल 20 साल है, जिनकी उनका दायित्व बढ़ जाता है, उनका दायित्व बन जाता है कि वो अपने साथियों को सुनाए, ऐसी घटनाएं बताएं, ऐसा पाठ पढ़ाएं। कोई फिल्म का कोई चित्रांकन कर सकता है, उस पर कोई मूवी बना सकता है, कोई छोटी छोटी चीजें कैप्शन पर कुछ बना सकता है, सीरियल बना सकता है, हम बनाएं, ये हमारा धर्म बन जाता है। नागेश जी हमारा धर्म ये भी बन जाता है कि आपके हमारी उम्र के जो लोग हैं 35-40-50 वाला लोग है, हमारा धर्म है कि छोटा छोटा टावरन बैठा है, क्वारंटाइन इनका को लॉकडाउन ये लॉकडाउन पीरियड में ये चीजें दीजिए, आपके आसपास परिवेश में ऐसे संस्कार बहुत मिलेंगे, ऐसे योद्धा बोल मिलेंगे, ऐसे महापुरुष मिलेंगे, आपकी पीढ़ियों में मिलेंगे, आपके पुरखे मिलेंगे, उनके संस्कार हम दें, हम चेतना लें। और जो कोई चाहे दिवाली दिन है चाहे होली दिन है, ये केवल प्रतीक के रूप में आते हैं। आज महाराणा प्रताप की जन्म तिथि जिसको आपने कहा, वो 9 मई 1540 में जो जन्म हुआ था वो अंग्रेजी तारीख से, जसुदी 30 विक्रम संवत 1597 में, भी लगभग अंग्रेजी तारीख में, फिर 25 मई ने आवेला है ना। जब भी हो हम हर दिन को अपना सौभाग्यशाली दिन मानकर उसका आनंद उल्लास उठाएं, और जा राजस्थानी सेवा जो कोई संकल्प है, इन संकल्प ने भी आगे की कर बढ़ाए सका, अपनी मातृभूमि रक्षा की कर करा, संस्कृति रक्षा की कर करा, ऐ धर्म ने निभाने वाला फर्ज जो है, आप लोग जो अग्रणी लोग हो, खास तौर चेतना जगरण वाला लोग हो, मीडिया वाला लोग हो, आप सब लोगों ने लगता कि आप प्रेरणा पुंज बनकर पाथे बनकर इस मार्ग को जगा रहे हैं, इसको संभाल रहे हैं। आपने सब दर्शकों से और साथियों से मिलने का मौका दिया, दर्शन का मौका दिया, बात रखने का मौका दिया, ये एक पक्षी है, पर दूसरे पक्ष से संवाद जब आपके इसमें कमेंट आएंगे, कमेंट बॉक्स में आपकी जिज्ञासा आएगी, आपके सवाल आएंगे, और उनका समाधान करने के लिए नागेश जी मेरे जैसे कई सारे लोगों को जोड़ेंगे। ये जो जिस चैनल को आपने सब्सक्राइब किया है, जिसको आप सुन रहे हैं, इसको आगे से आगे बढ़ाएं, इस विचार को आगे बढ़ाएं, इस विचार परिवार को आगे बढ़ाएं, ये हम सबका धर्म हो जाता है। बिल्कुल, राजस्थान की पवन धरा में आज के दिन जन्मेड़ा महाराणा प्रताप जी, जका माँ भारती का सच्चा सपूत और जका की जीवन गाथा साहस शौर्य और पराक्रम भरेड़ी है, और राष्ट्रभक्ति जिकी प्रेरणा हर वक्त जगाती रहे, जब भी मन कमजोर महसूस हुए महाराणा प्रताप जी की जीवन गाथा सुनने मात्र से ही मन में एक प्रेरणा जागे, मन में अपने आप ही एक विश्वास जागे, जो भी निराशा है वह युद्ध करने की प्रेरणा जागे और नई आशा को संचार हुए, कोई माँ को भी आज को उद्देश्य है। और क्योंकि आज को कार्यक्रम अपा ऑनलाइन लाइव कर रहे हैं, तो मैं अंत में बात सब आज के इस समय में कोरोना जगह क्रमवीर है, जगह योद्धा है, जगह प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से जगह भी लोग
की सेवा में, राष्ट्र सेवा में, मानव सेवा में लगेड़ा है, मानव जाति के सुरक्षा में लगेड़ा है, चाहे भारत का है, चाहे भारत हूँ पूरी दुनिया का है, वहाँ सबने मैं बार बार नमन करूँ। और आई आप ई मंच के माध्यम से भगवान से प्रार्थना करा कि जल्दी से जल्दी आ महामारी ई दुनिया से चली जावे और अपनो भारत देश फिर से खुशहाल बिया ही लहलावे, बिया ही पे मेला और बिया ही पे बाजार फिर सा सजेला। और ये समय के मायने जब कि आप लॉकडाउन के मायने मायने बैठे हैं, जैसा अपने शिवदान सिंह जी अपने अर्ज भी करी आ बात कही है, तो आप जब लॉकडाउन के मायने जब आप अपने घर में बैठे हैं तो आप घर में बैठ करके क्यों ना आप यहाँ का प्रेरणा लेवा, यहाँ का जैसा महान व्यक्तित्व है बाकी जीवनी ने पढ़ना पढ़ावा और प्रेरणा लेकर के जीवन में आप भी एक निर्माण करा, इस समय ने सृजन के समय के रूप में लेवा, इस समय ने रचनात्मक समय के रूप में लेवा। और आप भी बाकी सार्थक प्रयास को आज के कार्यक्रम में चली होती तो आप इसको सार्थक कर सकते और घर बैठ करके निराशा का माहौल में रह करके नई आशा और सृजन के माहौल में पढ़ते पढ़ाते हो और दुनिया ने आगे बढ़ाते हो, खुद ने आगे बढ़ाते हो, परिवार और समाज के नाम हो, आप सबको बहुत 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 धन्यवाद। जय राजस्थान, जय राजस्थानी।